ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। देखिए मत, आपका स्वागत है। प्रदेश के शहरी निकायों में लाल फीता शाही हावी है और सरकार के आदेशों की भी अधिकारी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मजबूरन मंत्री शांति धारीवाल ने अब ऐसा फरमान जारी किया जिसकी अवहेला करने पर अब अधिकारियों को नौकरी से भी लाले पड़ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और शहरी निकायों में नाम हस्तांतरण के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल साधारण शब्दों में नाम हस्तांतरण का मतलब है निकाय के रिकॉर्ड में किसी भूखंड के मालिक के तौर पर नए व्यक्ति का नाम दर्ज होना। भूखंड खरीदने वाले व्यक्ति या वसीयत से अधिगत किए गए व्यक्ति का नाम भूखंड के मालिकाना हक के लिए दर्ज किया जाता है। जिन भूखंडों के निकाय की ओर से पट्टे जारी किए गए हैं या जिनका रिकॉर्ड निकायों में जमा है, ऐसे सभी मामलों में नाम हस्तांतरण किया जाता है। नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की ओर से सभी दस्तावेज पेश किए जाते हैं। इसके आधार पर निकाय नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया करते हैं। इस बीच ये जानना जरूरी है कि किसी भी कानून या नियम में नाम हस्तांतरण के लिए मोकामा का प्रावधान नहीं है, मगर इसके बावजूद कई निकायों में नाम हस्तांतरण के आवेदन पर पहले अधिकारी से मौका मुआयना कराकर उसकी रिपोर्ट ली जाती है और इसी रिपोर्ट के नाम पर सारा खेल होता है। मौके पर थोड़ा सा भी अवैध निर्माण होने या अन्य किसी कारण का रिपोर्ट में हवाला देकर नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया को बेवजह अटकाया जाता है या अटकाने का भय दिखाकर आवेदक को परेशान किया जाता है। लिहाजा परेशान आवेदक अधिकारियों की मनपसंद सेवा करने के लिए मजबूर हो जाता है। UDH मंत्री शांति धारीवाल को नाम हस्तांतरण को लेकर ऐसी कई शिकायतें मिली, जिसके बाद मंत्री की हिदायत पर नगरीय विकास विभाग ने 8 जनवरी 2020 और स्वायत्त शासन विभाग ने 15 जनवरी 2020 को आदेश जारी किए, जिसमें साफ किया गया कि नाम हस्तांतरण के लिए मौका मुआयना नहीं कराया जाए। लेकिन इन आदेशों के बावजूद कई निकाय अब भी मौका मुआयना करा रहे हैं। जब मंत्री को फिर से इसकी शिकायत मिली तो उन्होंने प्रमुख सचिव नगरीय विकास और स्वायत्त शासन सचिव को कड़े आदेश जारी करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों में क्या कहा गया है कि नाम हस्तांतरण के लिए मौका मुआयना नहीं कराया जाएगा। अगर कोई अफसर इसकी अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत मौका मुआयना के लिए भेजने वाले अफसर और मौके पर जाने वाले अधिकारी दोनों को निलंबित किया जाएगा। निलंबन के बाद अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री शांति धारीवाल की ओर से इस बारे में आदेश देने के बाद जल्द ही प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और शहरी निकायों के लिए औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि नौकरी जाने के डर से ही सही, मगर अब अधिकारी बेवजह नाम हस्तांतरण के नाम पर लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।